Welcome to CR International online classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा हम अपना चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे ज्योग्राफी का, जिसका नाम था वायु, और हम उसके प्रश्न उत्तर डिस्कस कर रहे थे। तो बेटा हमने उसके 13 क्वेश्चन कर लिए थे, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। चंद्रमा पर वायु दाब नहीं होता क्यों? हमने बताना है कि चंद्रमा पर वायु का दाब क्यों नहीं होता है। चंद्रमा पर वायु नहीं होती इसलिए चंद्रमा पर वायु दाब नहीं होता है। चंद्रमा पर जब वायु ही नहीं है तो वायु दाब कहाँ से होगा? यही रीजन है कि चंद्रमा पर वायु नहीं है इसीलिए चंद्रमा पर वायु दाब भी नहीं है। आगे देखिए, पवन किसे कहते हैं? उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। मतलब जब वायु उच्च वायु दाब क्षेत्र से निम्न वायु दाब क्षेत्र की तरफ बहती है तो उसे हम पवन कहते हैं। बेटा उच्च वायु दाब क्षेत्र कहाँ बनता है? जहां पर तापमान कम होता है। और जो आपका निम्न दाब क्षेत्र है वो कहाँ पर बनता है? जहां पर आपका तापमान ज्यादा होता है। वायु दाब किसे कहते हैं? वायु दाब क्या है? पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। मतलब अर्थ की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर वायु के वजन के द्वारा, वायु के भार के द्वारा जो प्रेशर लगता है, जो दाब लगता है, उसे ही हम वायु दाब कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, पवन का नाम कैसे रखा जाता है? हम पवनों के नाम रखते हैं, वो किस आधार पर रखे जाते हैं? पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर रखा जाता है कि पवन किस दिशा से आ रही है, पूर्व से आ रही है कि पश्चिम से आ रही है, उसके आधार पर हम उसका नाम रखते हैं। जैसे कि पश्चिम से आने वाली पछुआ पवन। आर्द्रता को परिभाषित करें, हमने इसमें आर्द्रता की डेफिनेशन देनी है। वायु में जल वाष्प की मात्रा, जब पानी भाप बनकर उठता है तो जल वाष्प के कण वायु में आ जाते हैं, तो वायु में जो जल वाष्प की मात्रा है उसको ही हम आर्द्रता कहते हैं। तीन प्रकार की वर्षा के नाम लिखिए। वर्षा तीन प्रकार की होती है, उनके नाम। पहली चक्रवातीय वर्षा। चक्रवातीय वर्षा कौन सी है बेटा? जब एक ओर से ठंडी हवा आती है और दूसरी तरफ से गर्म हवा, जब इन दोनों के मिलने के कारण बादल बनते हैं और बारिश होती है तो उसे हम चक्रवातीय वर्षा कहते हैं। नंबर दो पर्वतीय वर्षा। पर्वतीय वर्षा क्या है? जब एक नमी से भरी हुई पवन चल रही होती है और उसके रास्ते में कोई पर्वत आ जाता है तो वो पर्वत के सहारे सहारे ऊपर की तरफ उठने की कोशिश करती है और वहीं पर बादल बनकर बारिश हो जाती है, उसे हम पर्वतीय वर्षा कहते हैं। नंबर थ्री संवहनीय वर्षा। संवहनीय वर्षा क्या है? धरती के गर्म हो जाने के कारण जब वहां से पानी जो है वो जलवाष्प बनकर उठ जाता है और बादल बनते हैं और बारिश हो जाती है, ऐसा हमेशा भूमध्य रेखा पर होता है, क्योंकि भूमध्य रेखा पर बेटा सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, इस कारण वहां पर इवापोरेशन ज्यादा होता है और क्लाउड्स बनते हैं और बारिश हो जाती है, उसे ही हम संवहनीय वर्षा कहते हैं। वर्षण के दूसरे रूप कौन कौन से हैं? वर्षण के दूसरे रूप हैं आपके हिम यानी कि बर्फ का गिरना, स्नो का गिरना, सहिम वृष्टि, ओले के साथ बारिश का होना तथा ओले या जो ओले गिरते हैं वो, ये सब वर्षा के ही रूप हैं। देखिए बेटा प्रश्न नंबर 21, पवनों के प्रकार लिखिए। पवने कितने प्रकार की होती हैं बेटा? पवने जो है वो तीन प्रकार की होती हैं। देखिए पहली पवन है स्थानीय पवन, ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती है। स्थानीय पवन है, वर्ष भर एक ही दिशा में चलती रहती है, इसे हम स्थानीय पवन कहते हैं। दूसरी है मौसमी पवने, ये पवने विभिन्न ऋतुओं के अनुसार अपनी दिशा को बदल लेती हैं, अलग अलग मौसम में अलग अलग दिशा में चलती हैं, इन्हें हम मौसमी पवन कहते हैं। तीसरा है आपका स्थानीय पवने, ये पवने किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं, दिन के किसी विशेष समय या वर्ष के किसी विशेष समय में चलती हैं, जैसे आजकल गर्मी के दिनों में लू चल रही है, वो हमारी स्थानीय पवन है। आगे देखिए वायुमंडल की विभिन्न परतों का वर्णन करें। वायुमंडल पांच परतों में विभाजित है। कितनी परतें हैं बेटा वायुमंडल की? पांच। जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है, मतलब जो वायुमंडल की पहली परत है वो सबसे नीचे है, धरती की सतह को टच करती है।
तो पहली परत है हमारी शोभ मंडल, इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। ये 13 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। हम इसी में मौजूद वायु में सांस लेते हैं और इसी मंडल में जो वायु यानी कि जो ऑक्सीजन पाई जाती है हम उसी में ही सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे हवा का चलना, वर्षा का होना, कोहरे का होना, ओला वर्षण होना, सब कुछ इसी परत के अंदर ही होता है। समताप मंडल दूसरी लेयर है इसकी। समताप मंडल जैसा कि नाम से ही पता है कि यहाँ पर जो तापमान है वो लगभग समान रहता है, उसमें ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। यह परत मौसम संबंधी घटनाओं एवं बादलों से मुक्त है। बादल नहीं बनते यहाँ पर, ठीक है, और ना ही कोई मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, क्योंकि बादलों का बनना और मौसम संबंधी घटनाओं का होना ये सब हमारा पहली लेयर में होता है। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ने के लिए आदर्श हैं। इसी कारण यहाँ पर एरोप्लेन हवाई जहाज उड़ते हैं, उनके रास्ते में किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं आती, जैसे कि बादल बन गए या बारिश हो गई तो एरोप्लेन जो है वो साफ, उनका जो रास्ता है वो साफ रहता है। इसमें ओजोन गैस की परत होती है और इसमें ओजोन गैस भी पाई जाती है जो कि सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है। तीसरी लेयर है आपकी बाह्य मंडल। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है ये आपका बाह्य मंडल। रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है और हम रेडियो संचार के लिए इस परत का प्रयोग करते हैं। पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत पर, इस परत के द्वारा उन्हें पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं। इस परत के द्वारा उन्हें पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं, मतलब जो रेडियो तरंगों को धरती से स्पेस में भेजा जाता है इस परत पर आने पर उसे वापस धरती पर भेज दिया जाता है, जिसके कारण हमारे रेडियो में आवाज सुनाई देती है। बेटा देखिए नंबर 4 मध्य मंडल, यह तीसरी परत है। बेटा जो अभी हमने नंबर 3 पे किया है ना, जो अभी हमने बाह्य मंडल, आप उसको नोटबुक में नंबर 4 पर लिखना, और जो हमने नंबर 4 पर किया है ना उसे आप नंबर 3 पर लिख लेना। तो यह आपकी तीसरी परत है। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। ये 80 तक फैली है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं, और जब अंतरिक्ष से उल्का पिंड इस परत में प्रवेश करते हैं धरती की तरफ आने के लिए तो वो जल उठते हैं। पांचवी परत है बहिर्मंडल। यहाँ वायु की पतली परत होती है, वायु बहुत कम है। हल्की गैसें जैसे हीलियम, हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। तो बेटे ये 5 लेयर हो गई। ये पृथ्वी की सतह, पहली लेयर शोभ मंडल, समताप मंडल, तीसरी मध्य मंडल, हमने यहाँ चौथे नंबर पे लिखा है ना बेटा, आप इसको नोटबुक में तीसरे नंबर पर कर लेना। मध्य मंडल चौथी हो जाएगी, फिर आपकी बाह्य मंडल, और पांचवी हो जाएगी बहिर्मंडल। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 23। आर्द्र दिन में गीले कपड़े सूखने में अधिक समय क्यों लेते हैं? एक आर्द्र दिन में क्या होता है बेटा, पहले ही नमी इतनी ज्यादा होती है और उसमें और ज्यादा जलवाष्प को धारण करने की क्षमता नहीं होती। तो हमने लिखा आर्द्र दिन में नमी की मात्रा अधिक होती है और वाष्पीकरण भी धीमा होता है, क्योंकि वो ज्यादा और पानी को एब्जर्व नहीं कर पाता, इसलिए वाष्पीकरण भी धीमा है। इसीलिए आर्द्र दिन में गीले कपड़े सूखने में अधिक दिन लेते हैं, अधिक समय लेते हैं बेटा, अधिक दिन नहीं अधिक समय, अधिक समय लेते हैं। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर आर्द्रपन की मात्रा क्यों घटती जाती है? आर्द्रपन यानी कि इनकमिंग सोलर एनर्जी, वो क्यों कम होती जाती है? क्योंकि बेटा भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। अब जब लाइट सीधी पड़ेगी तो वो एक छोटे से क्षेत्र को कवर करेगी, तो वो कम क्षेत्र को घेरती है, जिसके कारण हम अधिक गर्मी को महसूस करते हैं और सारी की सारी हीट उस छोटे से क्षेत्र में ही पड़ती है, तो मानव अधिक गर्मी को महसूस करता है। लेकिन जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाते हैं सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, लेकिन जैसे जैसे हम जाते हैं पोल की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है और ज्यादा क्षेत्र को घेरती है, ठीक है, और ज्यादा क्षेत्र में फैलती है, जिसके कारण तापमान भी कम हो जाता है, क्योंकि वो हीट एक लंबे एरिया में फैलेगी, जिसके कारण हम तापमान का अनुभव भी कम करते हैं, तो उसी कारण आर्द्रपन की मात्रा भी कम हो जाती है। तो बेटे यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 4 जो वायु है वो कंप्लीट हो गया है। आप इसके सभी प्रश्नों को अच्छे से फेयर नोटबुक में लिख कर इन्हें याद करना। ओके स्टूडेंट्स।